Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का शॉर्ट टर्म व्यू एंड लॉन्ग टर्म व्यू। तो शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से। काफी टाइम पहले मैंने एक रिपोर्ट लिखी हुई थी, दैट इज ऑलमोस्ट इन अगस्त 2022 की थी, जहां पे मैंने निफ्टी के राइज एंड फॉल की जो पैटर्न होती है वहां पे मैंने कुछ एक एनालिसिस किया हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट के जब भी कुछ एक फॉल आया हुआ है तो एक रिदम कंसिस्टेंटली बनी हुई है। तो लेट्स से कि मार्केट का जो पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई का जो फॉल है, तो वो फॉल तीन ट्रंचेस में, तीन किस्तों में बना हुआ है। तो लेट्स से कि दिस इज फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, उसके बाद में मार्केट फिर से राइज होती है एज लाइक द अदर इंस्टेंसेस। लेकिन यहाँ पे जो आपका फोर्थ फॉल आता है वो काफी लिमिटेड होता है। इट इज नॉट क्रिएटिंग द लोअर लो लेवल। विदाउट क्रिएटिंग द लोअर लो, प्राइसेस ने यहाँ पे एक अपसाइड रिज्यूम किया हुआ है, विच हैज स्टेज्ड द मल्टी ईयर रैली। तो ये कुछ फॉर्मेशन था 2008 का। इसके बाद में हम एक देखते हैं 2011 में जो मेजर फॉल आया था, तो सेम रिदम हमने देखनी हुई थी कि आपका पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई का जो फॉल था वो तीन किस्तों में बड़ा हुआ था। फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, आपका फोर्थ फॉल नीचे आता है, विच इज क्वाइट प्रोटेक्टेड वन। विदाउट क्रिएटिंग द फर्दर लोअर लो, प्राइसेस यहां से रिज्यूम करते हैं एंड मल्टी ईयर रैली हमें देखने मिलती है। सेम केस जो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल दैट वी हैव सीन इन 2015 आल्सो, तो यहां पे तीन ट्रेंड्स का फॉल, प्राइसेस का ऊपर जाना, फिर से नीचे रिट्रेस करना, दैट इज अ वॉटर फोर्थ फॉल दैट हैपन, एंड प्राइसेस का वापस ऊपर जाना। फोर्थ फॉल के बाद में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है। 2020 में ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, फोर्थ फॉल यहाँ पे आया, बट यहाँ से हमें मल्टी ईयर की रैली देखने मिली हुई थी। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म व्यू में भी वही हमने देखा हुआ था, डेली चार्ट में भी फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, फोर्थ फॉल आप आया, प्राइजेस काफी नीचे नहीं गए और प्राइजेस ऊपर में चले गए थे। ये 2022 की लिखी हुई रिपोर्ट थी, जहाँ पे एक मैं करंट स्ट्रक्चर भी देख रहा था कि ऑन गोइंग बेसिस पे हमारे फोर्थ फॉल चल रहा है, तो फोर्थ फॉल के सपोर्ट लेवल पोटेंशियली कहाँ पे होने चाहिए, तो 17,200 था और 16,800 था। सो वी कैन सी दैट 16,800 लेवल दो बार टेस्ट हुआ और वहां से अभी की जो अपसाइड मोमेंटम हुई है, तो दिस इज एन इंसेप्शन पॉइंट ऑफ दैट रैली। यही चीज में अगर करंट कॉन्टेस्ट में देखता हूँ, सो लेट्स से कि 2021 में जो हमने फॉल देखा था, सो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई जो आपका बड़ा फॉल था, तो वहां पे फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, यहाँ पे आपके फोर्थ फॉल बने हुए हैं जो 16,800 का लो बनाया हुआ है, यहाँ से प्राइसेस की अपसाइड मोमेंटम जा रही है। एंड एवरी टाइम फोर्थ डिक्लाइनिंग मोमेंटम के बाद में जब भी प्राइस अपसाइड मूव दिया हुआ है, इट हैज स्टेज्ड अ वेरी गुड रैली। तो ये एक थियरी बनी हुई है। दूसरी थियरी जो मैंने ऑब्जर्व की हुई है वो है मार्केट का एक कप एंड हैंडल पैटर्न। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में ईयर 2000 से लेके मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी मार्केट का कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसका जब भी ब्रेकआउट आया हुआ है, वी हैव सीन द गुड मोमेंटम ऑन द हाई साइड। सो दैट इज ऑन कप, हैंडल एंड ब्रेकआउट। सो दैट वॉज अ केस ड्यूरिंग द 2000 ईयर। इसके बाद में 2007-2008 में जो हमें मेजर करेक्शन देखने मिला था, तो आपका करेक्शन रिकवरी, सो इसने कप बनाया हुआ है, यहाँ पे हैंडल बनाया हुआ है, और उसके बाद में हमने काफी ज्यादा टाइम लिया हुआ है इंडेक्स ने, बट इवेंचुअली इट इज गिवन द अपसाइड मोमेंटम ऑन द हाई साइड। इसके बाद में भी एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे हमें देखने मिला हुआ है, प्राइसेस इज गिवन द अपसाइड मोमेंटम। अभी का जो रिसेंट स्ट्रक्चर है मार्केट का, इट इज ऑल्सो रिसेम्बलिंग टू द प्रीवियस इंस्टेंसेस, कि आपका यहाँ पे कुछ कप जैसा बना हुआ है, यहाँ पे हैंडल है, ब्रेकआउट अभी ड्यू है, दैट विल हैपन अबाउट द ऑल टाइम हाई लेवल, दैट इज 18,800-18,850 के ऊपर, बट वंस दैट पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग कंफर्म, तो प्राइसेस का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो जो पहले की थियरी थी तीन ट्रंचेस एंड फोर्थ और फॉल के बाद में राइस होना, और जो हम यहाँ पे कप एंड हैंडल के पैटर्न की जो सीक्वेंस देखते हैं, सो दे आर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, कि दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रॉडली दैट वी आर सीइंग। अगर यहाँ से कुछ करेक्शंस आते भी हैं, ऑफ कोर्स मार्केट कैन नॉट रैली इन अ वन वे, मार्केट विल मूव इन अ ज़िगज़ैग मैनर। सो हियर वन थिंग दैट गेट्स क्लियर इज दैट दिस इज अ बुलिश मार्केट एंड डिप्स कैन बी यूज्ड एज अ accumulation or buying on the dips can be garnered in this video scenario. So let's say what are the potential support levels that we have. So recently from a broader term perspective, market ka important support level kuch 18,100 ke yahan pe aata hai. Then we have the next best support level, like a potential support level yahan pe 7,800 and eventually 6,800 level ke support level aate hain. But ये जो पैटर्न का जो टारगेट हम फिक्स करते हैं, तो ये पैटर्न का टारगेट हम फिक्स करने के लिए इसकी डेप्थ देखते हैं। तो लेट्स से कि ये
पॉइंट दैट इज एन 18,500 लेवल से लेके 15,500 का जो फॉल था, सो दिस इज 3,000 फॉल इज दैट. तो एज पर द मेजर रूल थियरी जब इसका ब्रेकआउट आता है तो वी एड 3,000 पॉइंट. सो लेट्स से 18,500 18,800 के ऊपर का जो ब्रेकआउट आता है, सो इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द 21,500 टू 600 लेवल. ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बट इट gives us an idea ke how the market is shaping up right now and how it will be meaningful to accumulate when the when there is a market is at a potential support levels. ये तो रहा एक ब्रॉडर व्यू. शॉर्ट टर्म व्यू में हम देखते हैं तो मार्केट इस वीक में कुछ खास मोमेंटम नहीं आई थी. जो मंडे की गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ था तो धीरे धीरे से बाकी के दिनों में वो मोमेंटम इरेट हुई थी. नाउ on a weekly chart market is up by just 0.2%. daily chart mein if we see prices ne abhi bhi apni jo short term moving average hai isko hold karke rakha hua hai. from a very very short term trading perspective market ka kafi acha level hai, 18,400 ka support level. agar ye level breach hota hai then there is a chance that ki jo uska next best turning point tha ya fir very short term upside momentum tha aur jo pehle के लेवल को भी यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल लिया था. सो 18,200 लेवल एंड 18,070 लेवल, तो ये एक शॉर्ट टर्म के काफी सपोर्ट लेवल बनते हैं. मार्केट के पिछले काफी दिनों से 18,650 के यहाँ पे रिएक्शंस लिया हुआ था, जो हम पहले भी मेंशन कर रहे थे कि दिस इज व्हाट एन स्टिफ रिएक्शंस लेवल. तो मार्केट ने यहाँ पे डिप किया हुआ है, बट हायर चांसेस वैसे लग रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है. क्योंकि वीकेंड पे यूएस मार्केट को हम देखते हैं तो काफी अच्छा सा मूव हमें देखने मिल रहा है. एक्सेक्स निफ्टी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफी अच्छे से ट्रेड कर रही है, तो बुलिश बायस हमारा पॉजिटिव है. नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, लेकिन हमारा अंडरलाइन टोन भी काफी पॉजिटिव में है. तो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 18,400 के लेवल पे जब तक मार्केट सस्टेन करता है देयर इज अ पॉजिटिव जोन, और 18,700 के ऊपर जब भी मार्केट मूव करता है सो वी आर एंटरिंग इनटू द फर्दर स्ट्रेंथ. सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ द मार्केट. सेक्टर स्पेसिफिकली हम देखते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा अच्छा मूव कर रहा है दैट इज व्हाट निफ्टी रियलिटी स्पेस. उसके बाद में जो माइक्रो कैप स्टॉक है स्मॉल कैप स्टॉक्स है दे आर ऑल्सो डूइंग वेल. कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक जो हम लास्ट वीक में भी बात कर रहे थे जहां पे हमें पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, सो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग राइट नाउ. फार्मा स्टॉक्स जो काफी टाइम से खराब रहे हुए थे दे आर पिकिंग अप इट्स मोमेंटम. एफएमसीजी के जो लूज आउट स्टॉक्स थे वहां पे भी हमें कुछ ट्रैक्शन देखने मिल रहा है. हालांकि इस पर्टिकुलर वीक में हमें ऑयल एंड गैस और एनर्जी जो काफी टाइम से लैगार्ड में रहे हुए हैं दे कंटिन्यू टू बी रिमेन अ लैगार्ड, वहां पे कुछ हमें खास ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है. लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दे आर नॉट दैट मच पुअर एज वेल. जब ही इनका टर्न आएगा दे कैन ऑल्सो डू वेल. एंड सेकेंडली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हमें थोड़ा सा एक माइल्ड सेलिंग प्रेशर देखने मिला था. पहले जितना आउट परफॉर्म करा था नाउ इट इज लिटिल बिट अंडर परफॉर्म, बट स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है, इट इज स्टिल इंटैक्ट. बट रियलिटी स्पेस में काफी अच्छी मोमेंटम अभी बनी हुई है. अगर हम रियलिटी सेक्टर में कुछ एक स्टॉक देखते हैं लेट्स से गोदरेज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे काफी टाइम का एक स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहा है. सो लेट्स से कि यहाँ पे आप गौर करेंगे तो जो येलो कलर की लाइन है जो पहले काफी एक अच्छे से सपोर्ट लेवल काम करती थी, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल लिया बाउंस किया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल किया बाउंस किया. व्हेन द स्टॉक स्टार्टेड टू सस्टेन बिलो द मूविंग एवरेज तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था. अभी क्या हुआ है कि अभी स्टॉक का एक ब्रेकआउट आ गया है ऊपर में, प्राइसेस हैज कम डाउन और यही मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट लेके इट हैज स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम. सो देयर आर अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इनटू द स्टॉक दैट वी आर सीइंग इनटू द रियलिटी स्पेस के कुछ एक स्टॉक के स्ट्रक्चर हमें काफी अच्छे लगे हुए हैं. और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो दूसरा स्टॉक मेरे ध्यान में आता है कोरोमंडल का. कोरोमंडल की स्टॉक की खासियत ये रही हुई है कि स्टॉक का जो मंथली चार्ट देखते हैं तो स्टॉक प्राइस का एक डिसेंट करेक्शन आई थिंक 20-22% का करेक्शन आया हुआ है. 20-22% के करेक्शन के बाद में द स्टॉक हैज सेटल्ड एट इट्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन. सपोर्ट लाइन के सेटल हो जाने के बाद में स्टॉक प्राइसेस हैज फॉर्मड अ वेरी गुड बेस. यहां पे प्राइसेस का काफी हफ्तों का एक बेस बना हुआ है, 26-27 वीक्स का प्राइसेस ने यहां पे बेस बना हुआ है. ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में फिर से रिटेस्ट किया. सो दिस इज व्हाट वी नॉर्मली लुक एट कि स्टॉक प्राइस का काफी अच्छा सिनेरियो बनता है जब भी ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद में इंटरनल सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके व्हेन जब भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं. डेली चार्ट में मैं देखूं तो इट विल गेट अ लिटिल बिट मोर क्लियर कि स्टॉक प्राइस की जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी स्टॉक ने यहां पे सपोर्ट लेवल लिया था. स्टॉक हर एक मूविंग एवरेज शॉर्ट टू लॉन्ग टू मूविंग एवरेज में ऊपर में सस्टेन कर रहा है. तो स्टॉक का जस्ट हमें कंफर्मेशन देखना होगा मे बी व्यू हो जाए क्योंकि मार्केट भी ब्रॉडर टोन पॉजिटिव में है. तो 966 के ऊपर हमें उसका पॉजिटिव ब्रेकआउट हम मान सकते हैं और ये जो नीचे का इमीडिएट लो है दैट विल बिकम आवर स्टॉप लॉस. और जो इसका इमीडिएट हाई लेवल जो हम देख रहे हैं सो दिस इज नियर अबाउट दिस हाई द 1010 लेवल जो पहले के कुछ रेजिस्टेंस लेवल है वो उसके कुछ अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं. दूसरा स्टॉक जो फार्मा स्टॉक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी चेंज होते जा रहा है तो सन फार्मा को यहाँ पे हम देखते हैं.
तो सन फार्मा के स्टॉक पे नॉर्मली हम जो बुल ट्रैप वाले सिनेरियोस होते हैं और सॉरी बेयर ट्रैप वाले जो सिनेरियो होते हैं दे आर क्वाइट इफेक्टिव वन। तो स्टॉक प्राइस का काफी एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल था, टेम्पररी ब्रीच किया, लेकिन ब्रीच करके पुटने के बाद प्राइसेस का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था वहां पे इज इन टेस्ट लिया एंड देन इट हैज स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम। सो दिस आर द कपल ऑफ स्टॉक्स टू कीप अंडर द रडार। सो दिस आर द ब्रीफ अबाउट द टुडेज वीडियो दैट के मार्केट का शॉर्ट टर्म एंड ब्रॉडर टर्म पॉजिटिव में लग रहा है। सेक्टर स्पेसिफिकली रियलिटी, स्मॉल कैप, मिड कैप्स काफी अच्छे ट्रैक्शन में एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप। एनर्जी स्टॉक्स थोड़े से इतने मूव नहीं करें, बट स्टिल आई एम कीविंग आई ऑन द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कि जब भी उसका एक ड्यू कन्फर्मेशन का ब्रेकआउट मिल जाता है सो इट मे फाइंड द सम शॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्शन इन द कमिंग टाइम। स्टॉक स्पेसिफिकली कोरोमंडल को, सन फार्मा को हम देख सकते हैं कि हाउ द पॉजिटिव मोमेंटम इज बिल्डिंग अप इन द नेक्स्ट वीक। With this note, I end today's session and with a disclaimer, of course, okay, whatever the discussion that we did, that is for the educational purpose only. There is no recommendation and tips from our side. Thank you so much.